मजदूर बाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आओ हुण गल करते हैं हलका लंबी दी। हलका लंबी बहुत ही हॉट सीट हर वारी हुंदी है, इस बार भी हलका लंबी जेड़ा है वह हॉट सीट बनिया होया है, क्योंकि हलका लंबी ने पांच बार दे मुख्यमंत्री जेड़े सानू दिते ने। पंजाब दे हलका लंबी तो जितने वाले प्रकाश सिंह बादल पांच बार दे मुख्यमंत्री रह चुके ने, ते इस बारी भी हलका लंबी जेड़ा है इतिहास ही रचूगा। इतिहास इस करके मैं कह सकदा कि जे अगर बादल साहब जित जांदे ने ते ओ सब तो बजुर्ग आदमी होणगे जेड़े कि MLA बनणगे। अगर वो हार जांदे ने ते तां वी इतिहास रच जाणा है भी एक साफ सुथरे साफ सभी के परिवार ने पांच बार के मुख्यमंत्री नूं हराया है, इसलिए दोनों तरफा ही इतिहास रचा जाना है। 2017 की गल करिए श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सरदार प्रकाश सिंह बादल 66,000 के करीब वोट मिले सी, कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह 43,000 के करीब वोट मिले सी, आपके उम्मीदवार जरनैल सिंह 21,000 के करीब वोट मिले सी। काफी वड्डे मार्जन नाल सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने लंबी हलके तो जित हासिल की सी, पर हुण 2022 दे विच हालात बहुत बदल चुके ने। लोग जेड़े है वो कितने ना कितने श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, और लोगों का यह भी कहना है सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 94 साल के होकर एक मौका हर बार मंगते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं भी एक मौका दे दो, और लोगों का कहना है भी असं किन्ने के मौके तुम देिए, इसलिए लोगों के नाराजगी जी है वह नज़र आ रही है। और कितना कितने इस नाराजगी का जो फायदा है वह खुडिया परिवार को मिलता नज़र आ रहा है। खुडिया परिवार एक बहुत ही निरायती और शरीफ परिवार के विचों गिने जाता है, उन्होंने राजनीतिक इतिहास भी है वह बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप गल करांगे। तो 2022 दी चोणां दी अगर गल करिए इस दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल तो उम्मीदवार ने, गुरमीत सिंह खुडिया आम आदमी पार्टी तो उम्मीदवार ने, और जगपाल सिंह अबलू खुराना जिहड़े है वह कांग्रेस तो उम्मीदवार ने, पर जिहड़ा फसमा मुकाबला है वह सरदार प्रकाश सिंह बादल ते गुरमीत खुडिया के विचकार दसिया जा रहा है। और इतिहासों ही नहीं गल तो मैं एक जरूर करनी चाहूँगा कि बादल परिवार तमाशे करने हमेशा मशहूर होया है। मैं कल जलालाबाद सीट तो जिन्ह लोगों ने नमकन भरे उन्होंने लिस्ट चेक कर रहा है, उत्थे भी तीन परचे भरे हैं, इन्होंने नन्नी शाह ने भी 3 परचे भरे है, और सुखबीर बादल ने भी 3 परचे भरे है, बाद रिजेक्ट कराए नन्नी शाह के। लंबी हल्के की गल करिए सरदार प्रकाश सिंह ने 4 परचे भरे है, भी एड्डी की मुसीबत है भाई 4 परचे भरन की, की इन्होंने भरोसा ही है नहीं भी अपना परचे अगर कोई ऑब्जेक्शन आता तो इन असं ठीक करने का मौका नहीं दिंदी। बिल्कुल चुनाव आयोग अगर किसी परचे दे विच कोई कमी आउंदी है उन्हें ठीक करने का मौका दिंदा है। 4 परचे भरे यार तुसीं वेखोगे हसोगे। 3 सुखबीर बादल ने भरे ने लंबी हलके तो कवरिंग कैंडीडेट के तौर पर और रिजेक्ट कराए ने, इहदा मतलब 1-1.5 लाख रुपया वकीलों ने इन्हों तो फ्री का झाड़ लिया, क्योंकि इन्होंने डराया जाता है ना लोगों को भी रद्द ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये लोग जिहड़े है वह मगर लगते हैं। ये भी एक हासो ही नहीं गल है भी एक बंदे को गरीब आदमी है कोई मजदूर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है तो वो एक परचा भरन जोगी फीस नहीं होंगी, इन्हों को 4-4 परचे भरन की जी फीस है वह हैगी है, तो 4-4 परचे इन्होंने भरे है। बादल परिवार की अगर मैं गल करा लंबी हल्के तो कल्ले बादल परिवार के 7 परचे ने, टोटल 17 भरे गए हैं। तो इस बारी बादल साहब की तबीयत ठीक ना होने करके वो चुनाव प्रचार के हिस्सा नहीं लै रहे, उन्हों का पोता जोड़ा है वो चुनाव मैदान के कुद्या होया है। दर्शकों तुहानू मैं दसनी चाहता हाँ असल सच्चाई ये है कि उहदा पोता दादे वास्ते वोट मंगन नहीं आ रहा, उहदा पोता अपने लिए ग्राउंड तैयार करने लिए आ रहा है। ये चीज़ लंबी हल्के के लोगों को जी है वो बिल्कुल दिल तो दिमाग तो समझनी पेगी। लंबी हल्के तो जित हार की अगर मैं गल करा जिमें मैं पहले दस चुके हैं भी दोनों के फसमा मुकाबला है, और जोड़ा भी जित गया वो इतिहास ही बनाएगा। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो चंकी लगे तो हथ बन के बेनती है शेयर जरूर कर दोस्क्राइब टू माई चैनल।